तो मैंने यहाँ से बाइक बुक कर ली है ऊबर में और मैं निकल गया हूँ गाजियाबाद अमित किट्टो के घर के लिए, और चलते हैं वहाँ पे, फटाफट पहुँचते हैं, देखते हैं बाबू का तबीयत कैसा है। और वीडियो में तो बहुत ही दुबला पतला लग रहा था, तो देखिए गाजियाबाद का खूबसूरत नज़ारा। और बाइक का सफ़र अलग ही होता है, ऑटो का सफ़र अलग होता है, तो मैं अकेले था इसलिए मैंने बाइक बुक कर लिया। तो पहुँचते हैं, फिर मिलते हैं। तो फाइनली हम सोसाइटी के अंदर प्रवेश कर गए हैं और पहुंचने वाले हैं बहुत जल्दी उनके घर पर। देख सकते हैं यहाँ पे ऊंची ऊंची बिल्डिंगें देखने को मिल गई हैं, और मैंने बाइक बाहर ही छोड़ दिया था, हम कहीं अंदर आएगा फिर उसमें एंट्री कराना पड़ता है, तो बाहर से ही पैदल आ गए हैं अंदर तक और चलते हैं, मिलते हैं वहाँ पर, बने रहिए ब्लॉग पर। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं घर में, और घर में अभी तो साफ़ सफाई का काम चल रहा है, काफी काम फैला हुआ है गांव से आने के बाद। क्या हाल है ये, मजा आ रहा है? ठंडी वंडी है यहाँ पे? हाँ ठंड तो है। गांव में कैसा था? गांव में सुबह शाम में तो है, यहाँ तो ठंड है। लिलिया इधर, लिलिया देखो, क्या आजा 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 आजा, देखो कैसे भागते हुए आ रहा, पहचान रहा है मुझे, पहचान रहे हो क्या? दुबरा गया चेहरा एकदम, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जो पहचानता है, पहचानते हो क्या? जैसे पहुंचे वैसे ही इनका फोन आ गया है, ऋषभ कह रहा बाबू को दिखा दो, बाबू देखो देखो, नहीं देख रहा है, देख रही हूँ कैसे चपका हुआ है बाबू, उसके तो अपना पोटी दिखाओ, लाल हो गया है बेचारे का तबीयत। तो यहाँ देखो बेचारा थक गया है, थक गया है गांव से आके, अरे बच्चा देखो देखो, आराम, इसको आराम जैसे मिल रहा है वैसे लेट रहा है ना, जैसे आराम मिल रहा है वैसे लेट रहे हो। पोटी पोटी किया क्या? तो लिलिया का शकल देख के ना दया आ रहा है, बेचारा कैसा हो गया, दिखाओ इधर, दिखा दो इधर, दिखा दो इसमें, दिखा दो, देखो कैसा लग रहा है बेचारा, एकदम दुबरा गया है, नजर लग गया क्या, नजर लगा है क्या ना? गांव गया था बेचारा, ना इसको खिला नहीं रहे थे वहाँ यार, इतना हम मौज मस्ती करने गए, वीडियो बनाने गए, इसको लेके खिलाओ तो पता चला फंस जाओ, इसलिए भैया हम गए दूर रहो शादी तक, दिल्ली ना शादी तक दूर रहो ना। यूवी भी आए थे कार चलाते हुए, भी थक गए होंगे, सोए होंगे खूब ना, थक गए होंगे, कल सो गए, सो के उठे सुबह 11 बजे, हम लोग भी जानते तीन दिन खूब सोए हैं, दोपहर में नहीं सोता, दोपहर में सोए हैं, इतना नींद आता था यहाँ पे गांव में, यहाँ आने के बाद नगन। तो यहाँ हमारा लग गया है रोटी चावल, और ये निमोना है, आजकल निमोना बहुत खाने को मिल रहा है, अच्छा लगता है, ठंडी का सीजन है। नगन गन 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 ना देखें। तो यहाँ पे पानी और खाना पीना पीने के बाद हमारा टाइम हो गया है निकलने का, और चलते हैं, जो हमारा सामान था वो सब भी ले लिया है, ये सामान कपड़ा था और ये बैग था, ये भी हमने छोड़ दिया था, इसमें हमारा चार्जर वगैरह था, सारी कीमती चीज़ें इसमें थी, सारी तैयारी हो गई है, चला जाइए यूवी, चला जाए, मिलते हैं फिर, आ जाओ चलोगे रात के दिल्ली यार, रात में दिल्ली चलोगे? नहीं चले जाएंगे, यहीं से जाओगे? चलो वहाँ भी सबसे मिल के आओ, कह दो अभी तो सब लोग मिले हैं जाते, बट मम्मी की तबीयत नहीं सही रहता ना। हाँ ये भी तो सही है, तो चलिए हम चलते हैं और फिर घर पे मिलते हैं आप लोगों से। तो हम आ गए हैं बेसमेंट में और कार यहाँ पे खड़ी है, तो मैं ये कार निकालूंगा, यूवी जो है अमित की कार खड़ी करेंगे, काफ़ी दिन से हमारी कार खड़ी थी, और निकालते हैं इसको। A few moments later. तो आज मैं अमित के घर पे गया था, अमित किट्टो के घर पे, वहाँ पे बाबू को देखा, और बाबू को देख के बहुत दया आ रहा था, उसका चेहरा एकदम चिचुक के नान के हो गया था बेचारा, इतना पट्टी कर रहा है, इतना पट्टी कर रहा है ना, परेशान है, और
ऐसे सुस्त पड़ा हुआ था, बहुत ही दया आ रहा था उसको देख के। और मैं वहां से कार लेके निकला, फिर उसके बाद काम वम करके घड़ी में बज गए हैं 11:15 बजे मैं घर पे पहुंचा हूँ। और देख रहा हूँ यहाँ पे बच्चे अपना एंजॉय कर रहे हैं, कल छुट्टी है, संडे है, पढ़ाई लिखाई मत करो, यही देखो यही काम देगा तुम्हें कल से सवेरे सुबह नाश्ता में। तो वन्ना जी यहाँ पे अपना काम धाम में लगी हैं, जो रोजमर्रा की जिंदगी का काम है इनका कर रही है। इनको देखो ठंडी नहीं लग रही है, नहीं ये गरम कपड़े है ना, कितना भी गरम ठंडा, दूसरों को तो बोलती है पहन के रखो। तो अभी आए हैं खुद ही, ऐसे बिस्तर पे ही लेटे थे। तो सुबह ना दही लाए ना, उसका सूजी का इडली बना देंगे और चटनी बना देंगे। किचन में कितना पानी कर देती हो ये सोनाक्षी की है, आज देख रहे हैं दूध है देखो। सोचे कि सोनाक्षी गैस बंद की होगी, 1 लीटर दूध का दशा देखो। ऐसा कथा सुन रही थी, कथा नहीं ये शाम की बात है, 7 बजे रखे थे 9:30 बजे बंद किए है। बताओ 3 घंटा गैस हम 2 घंटा फिर क्या करेंगे, क्या करोगे वहाँ उधर पड़े। यही हमसे हुआ तो चिल्ला के एकदम पूरा घर ये ना ठंडी में, हर साल ठंडी में एक बार होता है। मान लो हमसे हुआ था तब क्या होता, क्या हमको हम भोले बाबा को वो देख रहे थे, वीडियो देख रहे थे, उसमें दूध चढ़ा रहा था हमको, यार दूध रखे थे हमको, बताओ बाबा ने मतलब की शंका दिया। चलिए बहाना, तुम सही चीज नहीं बता रहे, कोई ना कोई बहाना बना रही, भगवान का समय इसमें झूठ क्या बात है, कोई ना कोई बहाना बना रही हो तुम। पूछा मिट्टी से, बाबू देखे ना बड़ा दया आ रहा था, क्या करे बीमार तो सब इंसान होता है, सब चेहरा उसका एकदम नान के हो गया, चुप के बच्चा है, बच्चा ऐसा सुस्त हो, जहाँ पर जहाँ लेट रहा सुस्त पड़ रहा है, बच्चा है ना। तो चलिए देखो मैं खाना बना के आ पाया तो मैं जा रही हूँ, बटर का फटाफट पुलाव बनाती हूँ। और रात के घड़ी में 11:45 बज गए हैं, ये ब्लॉग मेरा सुबह मॉर्निंग में आ जाएगा 10 बजे तक। और यहाँ पे क्या बनाने जा रही है, पानी गर्म करने पीने के लिए चल रहे फुल, देखो यहाँ प्याज टमाटर सब लेके बैठे हुए हैं, आटा गूंथ के रखा हुआ है, अगर आपको रोटी पराठा खाना। और ये कब से फोन कर रही है, कब आएंगे, बना के रख देते फिर कोई खाता। अभी मैं चाय पराठा बनाई थी मेथी का, सब वाले का जो रखे थे ना, तो बच्चों को सेक कर दिए थे। तो चलिए बने रहे ब्लॉग के अंदर, खाना पीना बनाकर मिलते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग, तो फैमिली श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और आज दिन हो गया है संडे का, तो मैं नहा के पूजा पाठ कर लिया हूँ, यहाँ वंदना जी ने पानी दे दिया मुझे पीने के लिए, पानी और चाय नाश्ता करके फिर मैं निकल जाऊंगा ड्यूटी के लिए। और ऋषभ यहाँ मोबाइल में क्या देख रहे हो, क्या बनोगे बता दो, क्या बनोगे बताओ, क्या आर्मी बनोगे। तो ऋषभ कह रहा पापा मुझे इसमें भेजोगे, हमके किसमें भेजोगे, कह रहा ये जो मैं देख रहा हूँ तो आर्मी का वीडियो देख रहा है, उसमें लड़ाई वड़ाई हो रहा है। तो मैं बोला आर्मी बनोगे क्या, कह रहा हाँ आर्मी में मुझे जाना है, अच्छा लग रहा है, लड़ाई करना अच्छा लगता है क्या बोलो, है नहीं क्यों, लड़ाई करने जाना है इसमें, जाना है क्या करोगे, जाके जाना है तो क्या करोगे, जाना है तो जाना है, अरे तो जाओगे तो क्या जाओगे तो वहां मोबाइल नहीं चला पाओगे, कह रहा मैं आर्मी में जाऊंगा तो जाऊंगा, पता नहीं इसका किस्मत देखो क्या दिमाग में चल रहा है। तो यहाँ सोनाक्षी मेरे लिए लेके आ गई ये पोहा, और चलते हैं देखते हैं वंदना जी किचन में क्या कर रही हैं। सबको दे दो, तो किचन में सबके लिए नाश्ता वास्ता जो है बना रहे हैं, ठंडी का टाइम है, चाय नाश्ते की शुरुआत तो यही सबसे होती है, चाय ब्रेड पोहा मैगी तो नहीं खाते खाना है, ऋषभ कह रहा हम नहीं खाएंगे तो डांट रही है। तो चलिए हम चाय नाश्ता करके निकलते हैं ड्यूटी के लिए, और फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक न्यू ब्लॉग के साथ, सभी को करते हैं बाय बाय।